का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यू आर अवेयर अबाउट दिस क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इसके लिए मेथड है ना हमारे पास, फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कार्डनस मेथड। तो आज हमें पढ़ना है दिस कार्डनस मेथड। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मेथड जो हम यूज करेंगे उसके लिए रितिका दैट इज कार्डनस मेथड। अब जो अब क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस कार्डनस मेथड, तो आप लोग से भी लोग देखना ध्यान से बेटा, अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है का, जो एक इक्वेशन है वो क्या है बेटा आपके पास क्यूबिक, दिस मीन इसके जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी थ्री। तो से आप लोगों ने कहा हमारे पास है सर एक्स ए नॉट एक्स रेस पावर थ्री, ए वन एक्स रेस पावर टू प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इज द गिवन क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसमें रिमूव करेंगे सेकंड टर्म। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी सेकंड टर्म क्या होगी ए वन एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप लोगों को रिमूव करनी है फर्स्ट हाफ सेकंड टर्म। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम सेकंड टर्म को कैसे रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने कहा रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म, हम रिमूव करेंगे किसको बेटा सेकंड टर्म को। तो ये सेकंड टर्म कैसे रिमूव करते हैं, हम एक फैक्टर यूज करते हैं दैट फैक्टर इज कॉल्ड एच। और बेटा ये ऑब्जेक्ट नोट करना, ये एच होता है ना ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। आपने कहा मेरे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, से आप लोगों ने कहा ए नॉट एक्स क्यूब, यहां पर आप अपने लिए रखो थ्री टाइम्स ए वन एक्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने कहा सर हम लोग इसमें रिमूव करेंगे किसको करेंगे बेटा रिमूव, सेकंड टर्म। हम सेकंड टर्म किस फैक्टर से रिमूव करेंगे ऐसे। तो व्हाट इज एच, एच इज सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री। तो आपने कहा सर जो यहां पर एच का वैल्यू है ना दैट इज सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस थ्री ए डिवाइडेड बाई ए नॉट, है ना, बिकॉज सम ऑफ रूट्स होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई दिस, है ना बेटा, दैट इज माइनस थ्री ए वन डिवाइडेड बाई ए नॉट होल डिवाइड करेंगे हम बाय डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी बेटा थ्री। तो आपने कहा सर ये थ्री और ये थ्री कैंसिल होगा, जो एच का वैल्यू होगा ना दैट इज माइनस ए वन डिवाइडेड बाय ए नॉट, ये आपका एच का वैल्यू। यार इतना आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया लाइक दिस एच इज इक्वल एक्स क्यू माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, आप लोगों को रिमूव करनी है इसकी सेकंड टर्म, आपको निकालना है h, the factor h is equal to, maybe here maybe MCQ question, this is a cubic equation, what is the value of h? तो बेटा आप लोगों ने कहा सर h का वैल्यू होगा सम ऑफ रूट्स, मुझे बताना आप ऐसे कोई इसका सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस टाइम और माइनस थ्री डिवाइड बाय वन दैट इज थ्री, थ्री और डिग्री कितनी है बेटा थ्री, तो थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा दैट इज वन। अब आपने h का वैल्यू कितना निकाला, अब आपको रिमूव करना है सेकंड टर्म, तो हम लोग यूज करेंगे सिंथेटिक यूजर। तो आपने कहा सर अगर ये वन है इसको हम यहां रखेंगे, इसके बाद हम यहां रखते हैं कोएफिशिएंट दैट इज वन माइनस थ्री सिक्स फाइव, है ना। आप लोगों ने कहा वन एज इट इज, दिस इज वन सर दिस इज माइनस टू, है ना, आप लोगों ने कहा दिस इज माइनस टू दिस इज फोर, है ना, आपने कहा फोर और ये बनेगा कितना बेटा नाइन व्हाट्स एवर। तो इन द सेम मैनर जो आप लोग सबसे पहले कौन सी रिमूव करते हैं सेकंड टर्म जो भी होगा, तो सेकंड टर्म को हम रिमूव कैसे करते हैं, हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करते हैं h, एंड h इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री। तो इसके बाद बेटा अब यहां देखना थोड़ा ध्यान से, अब आप लोगों ने कहा सर अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है a नॉट x क्यूब प्लस 3 टाइम्स a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0, अब आपने इतना एच को यूज किया, आपने कहा सर जो एच वाला फैक्टर है दैट इज माइनस ए वन डिवाइडेड बाई ए नॉट, क्योंकि सर सम ऑफ रूट्स डिवाइड बाई डिग्री दैट इज। अब बेटा हम इस फैक्टर से इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन हम यूज इसलिए कर रहे हैं, हम लोग रिमूव कर रहे हैं सेकंड टर्म को, है ना। अब आपने कहा आफ्टर रिमूविंग सेकंड टर्म जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारे पास मिलेगी, जैसे आप लोगों ने कहा जब हमने ए वन और ए नॉट से सर सिंथेटिक डिवीजन यूज किया
हमने ए नॉट थ्री टाइम्स ए वन और ए टू और ए थ्री, जब हमने सर ये सेंचुरी यूनियन यूज किया, सेकंड टर्म को रिमूव किया, आपने कहा जो हमारे पास ट्रांसफार्म इक्वेशन है, ट्रांसफार्म इक्वेशन जो आपको मिली बेटा, आपने कहा ट्रांसफार्म इक्वेशन हमें मिली सर से, आप लोगों ने कहा वो मिली जेड क्यू है ना। अब बेटा आप क्या रिमूव कर रहे हैं, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म नहीं होगा, आपने कहा दैट इज जेड क्यू प्लस आपने कहा बी वन जेड प्लस कहा आपने बी टू इक्वल टू जीरो, इज इट बेटा, क्योंकि आप इसमें सेकंड टर्म, तो पहला पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें क्या रिमूव करने, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को हम रिमूव कैसे करते हैं, एच से, व्हाट इज एच, सम ऑफ रूट इज डिवाइडेड बाय डिग्री है ना। तो बेटा जो आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिली ना, दिस इज द कार्डिनल मेथड, हम जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, हम z को पुट करेंगे u + v, z को क्या पुट करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कार्डिनल। इसके बाद हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग, जब आपने अपशा क्यूबिंग बोथ साइड्स किया तो आपने कहा सर दिस इज z क्यूब इक्वल टू u + v का होल क्यूब, इज इट, आप लोगों ने कहा सर z क्यूब का वैल्यू आएगा u क्यूब + v क्यूब + 3 टाइम्स u v * u + v, कितनी का यहां तक क्लियर। तो बेटा u + v क्या है आपके पास, z, तो आपने कहा सर ये क्वेश्चन चेंज होगा, दिस बिकम z क्यूब इज इक्वल टू u क्यूब + v क्यूब + 3 टाइम्स u v * z है ना। तो बेटा आपने, आप लोगों ने कहा दिस विल बिकम z क्यूब - 3 टाइम्स u v z - u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू जीरो, आपने वो सारे टर्म्स हैं यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ देखना बेटा, यहाँ से आपने ऋतिका इनको शिफ्ट किया यहाँ है ना, तो यू पीपल गॉट लाइक दिस कि z क्यूब प्लस दिस इक्वल टू जीरो, इज दिस क्यूबिक इक्वेशन है ना। हम इस क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ऑफ, हम कोएफिशिएंट्स ऑफ z एंड कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं और कोएफिशिएंट्स ऑफ z इनको कंपेयर करेंगे, तो हम लोग उनको u क्यूब और v क्यूब का वैल्यू मिलेगा। अब हम बेटे इसके बाद क्या काम करेंगे, हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हूज रूट्स आर दीज टू, u क्यूब एंड u क्यूब एंड v क्यूब। तो आपने कहा सर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज t स्क्वायर से सम ऑफ रूट्स दैट इज t स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स दैट इज u क्यूब प्लस v क्यूब है ना into t और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज u क्यूब into v क्यूब इक्वल टू 0, दिस इज बेटा t स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट। हम इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ यू एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ वी। जब हमने यू और वी का वैल्यू निकाला, से आप लोगों ने कहा सर जो जी है ना दैट इज यू प्लस वी, अब आपने यू और वी का वैल्यू निकाला, आपने कहा सपोज सर जी का वैल्यू आया 3, अब जी का वैल्यू कितना है 3, तो एक वैल्यू मिला हमें, एक रूट मिला, इसके बाद हम सिंथेटिक यूनियन यूज करेंगे, वी विल कैलकुलेट द टू वैल्यूज, दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ कार्डिनल्स मेथड। बेटा क्लियर हुआ कुछ, पक्का, मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, देन वी विल गेट द थिंग्स, ठीक है।